आज हम बात करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के तीसरे लेक्चर की। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो यूपी बोर्ड में बहुत आते हैं और मोस्ट प्रोबेबिलिटी सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक पैटर्न है। तो ये दिया है, इफ साइन ऑफ पाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ब्रैकेट में पाई साइन थीटा, देन प्रूव दैट थीटा इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 3/4। तो गिवन क्या है, साइन ब्रैकेट में पाई कॉस थीटा देन इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर कॉस फंक्शन को साइन में कन्वर्ट कर लिया और क्या लिखा हमने, हमने लिखा साइन पाई बाय 2 प्लस पाई साइन थीटा। आप हमसे ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर हमने माइनस क्यों लिखा, तो माइनस यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि हमें प्रूविंग करना है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप अगर प्लस भी करते हैं तो साइन 90 प्लस सेकंड में ए एस, एस मतलब साइन कॉस कैसे होते हैं भाई, पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर साइन के अलावा कॉस होता, सेक होता, टेन होता, कॉट होता, तो वो निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइन साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल करना आपको ऐसे करके दिखाना नहीं होता है भाई, कैंसिल करना होता है, क्लास 12 की पढ़ाई है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, पाई कॉस थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस पाई साइन थीटा। अब इस पाई कॉमन ले लिया, क्या कर दिया, पाई कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, कितना आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 प्लस साइन थीटा। साइन को यहाँ करेंगे ट्रांसफर, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया, तो देन इसका स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab 1/2 का स्क्वायर 1/4। ये वैल्यू क्या होती है, ये आपकी एक सरसम का है भाई, ये क्या है आपकी सरसम का। ठीक है, जो थीटा की सभी वैल्यू के लिए मान रहे, थीटा के सभी वैल्यू के लिए मान होता है, इसमें थीटा का कोई मान रखिए इसकी वैल्यू 1 ही आनी, चाहे 30 रखो, 45 रखो, 60 रखो, 90 रखो, 120, 135 जो मन चाहे वो रखिए। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, 2 साइन ए कॉस ए, मतलब साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, इसका स्क्वायर किया कितना आ गया 1/4, ये वैल्यू 1 हो गई। इस माइनस के साइन को क्या करिए, यहाँ पर ट्रांसफर किया, 1/4 को यहाँ पर लिया, तो साइन 2 थीटा प्लस का हो गया 1 - 1/4, 1 - 1/4। यहाँ देखिए साइन 2 थीटा कितना आ गया, 3/4 आ गया, तो 2 थीटा साइन इनवर्स 3/4, तो थीटा इक्वल टू 1/2 भाई, इस 2 से कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया बेसिकली, तो थीटा इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 3/4। तो ये आपकी प्रूविंग कंप्लीट हो गई। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, आप देख लीजिए फाइनली ये दिया है और ये प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या किया, जो दिया है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, हमने कहा इस कॉस इनवर्स जेड को इधर ट्रांसफर किया, कितना हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, तो कितना हो गया भाई पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स ए बी, ए बी प्लस तो क्या आ गया माइनस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 माइनस का वाई स्क्वायर, भाई ए बी मतलब एक्स वाई हो गया, और जो फॉर्मूला दिया था अकॉर्डिंग टू, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ आपको पहले, तो आप इसके पहले के लेक्चर में देख सकते हैं फॉर्मूला कैसे प्रूविंग की गई थी, मैंने पढ़ाया इसके बारे में। ये हो गया पाई माइनस का कॉस इनवर्स जेड। अब यहाँ पर एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, इस कॉस इनवर्स को यहाँ लिया है, तो कॉस पाई माइनस का कॉस इनवर्स जेड। अब कॉस 180 माइनस थीटा, देखिए ध्यान दीजिए, कॉस 180 माइनस का थीटा माइनस कॉस थीटा, थीटा क्या है कॉस इनवर्स जेड है, यहाँ रख दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा माइनस का जेड, कितना बचा भाई माइनस का जेड, और यहाँ पर एस टी उतरा था भाई जिसे था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया, इस माइनस के जेड को इधर ले आएंगे तो कैसा हो गया प्लस का जेड, और रूट फंक्शन को उधर ले गए, स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - x² - y² और ये प्लस x² y² फॉर्मूला खोला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, देन दिस कैंसिल, इन दोनों माइनस को यहाँ ट्रांसफर किया, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, 1 यहाँ था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, आपकी प्रूविंग थी। तो देखिए अगला सवाल बढ़ते हैं आगे की ओर, यहाँ देखिए दोस्तों सवाल दिया है, सरल करना है, एक फंक्शन दिया हुआ है। काफी अच्छी बात यह है कि मैंने ये सवाल, समझ लीजिए आपके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बेसिकली मतलब क्या कहेगा आपसे, इसका कीजिए डिफरेंशिएशन या इसका कीजिए इंटीग्रेशन, तो ये सवाल एक मोस्ट प्रोबेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है, ये 4-5 चैप्टर में आपको मिलेगा, भले करना कुछ और, यहाँ पर हमें इजी फॉर्म में लाना है, वहां पर क्या करेंगे डिफरेंशिएशन में इजी फॉर्म में लाने के बाद करेंगे डिफरेंशिएशन। तो आप इस सवाल में ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, इसका एक फॉर्मेट है, अगर इस फॉर्मेट को आप याद भी कर लेते हैं इस फॉर्मेट को तो कोई बुरी बात नहीं है, तो ये फॉर्मेट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले फॉर्मेट, ठीक मैं ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो, इस पेज में पूरा आ जाए। ठीक है, यहाँ देखिए टेन इनवर्स भाई, ठीक है, हमने क्या कर लिया, इसमें से कॉस एक्स कॉमन ले लिया भाई, कॉस एक्स कॉमन लिया है, हालांकि मिल नहीं रहा है, तो यहाँ कितना बचा, देखिए ध्यान से यहाँ बचा 1। अब साइन से कॉस लिया, जब कॉस का हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें कॉस से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या लिखा हमने, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ताकि हम इस कॉस को अंदर ले आएंगे तो कॉस कॉस क्या हो जाए कैंसिल हो जाए, यहाँ पर भी कॉस कॉमन ले लिया,
कितना आ गया 1 प्लस साइन एक्स। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, फिर बोल रहा हूँ आपसे, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान रखेंगे। रिपीट, आई कैन रिपीट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये 1 माइनस का टेन एक्स अपॉन कितना आ गया 1 प्लस का टेन एक्स। ठीक, अब एक फॉर्मूले का होता है फॉर्मेट, तो हमने क्या लिखा टेन इनवर्स, 1 को लिखा टेन पाई बाय 4, क्योंकि टेन पाई बाय 4 मतलब कितना होता है 10 45, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना भाई, अपॉन 1 प्लस हमने यहाँ लिखा 10 पाई 4, क्योंकि अगर हम 10x में 1 का मल्टीप्लाई करें और 1 किसकी वैल्यू दी है 10 पाई 4 की, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया 10 इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया, देखिए ध्यान से, 10 इनवर्स a सॉरी 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया 10a माइनस b, 10a माइनस का b, तो ये क्या हो गया कैंसिल, कितना आ गया पाई बाय 4 माइनस x, तो ये इजी फॉर्म आ गया इसकी। ठीक, तो हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे देखेंगे कि करेंगे डिफरेंशिएशन कैसा होता है इसका, फिलहाल अभी हम इसके को सॉल्व देखते हैं। देखें नेक्स्ट सवाल, देखिए इसका, देखिए फ्रेंड्स अगला सवाल जैसे आपका आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं इस सवाल की। तो गिवन है 10 इनवर्स a cos x माइनस का b sin x, ठीक है, और b cos x प्लस का a sin x, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ से बेसिकली cos x को रिप्लेस करना है। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर 10 इनवर्स हमने क्या करे बोथ में, मतलब क्या लिखा हमने a cos x माइनस का b sin x, हमने क्या कर दिया पूरे में फाइनली b cos x से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड हमने कुछ ऐसे किया ताकि कोई फर्क ना पड़े, तो यहाँ आ गया a sin x, थोड़ा पैटर्न एनसीईआरटी का है तो आप ध्यान देंगे इस चीज पर, कितना आ गया b cos x, तो डिवाइड किया हमने, इसमें किसे किया b cos x से, इसमें भी b cos x से, अरे वो सब तो छोड़िए, मतलब इसमें सिर्फ ये बेसिक मुद्दा है कि आपको फॉर्मूला बनाना है, और फॉर्मूला फॉर्मेट होना चाहिए तो 10a plus b होना चाहिए और या तो 10a minus b होना चाहिए, इन दो फॉर्मेट में जब बनाएंगे फॉर्मूले आप बनाएंगे ना, क्योंकि बाहर क्या दिया हुआ है 10 इनवर्स दिया हुआ है, जैसे फॉर्मेट फॉर्मूले होंगे 10 इनवर्स से क्या होगा कैंसिल होगा, तो आगे हमारा का इजी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बनाने के लिए किया है, ये कोई ट्रिक नहीं है कि अपना कर दिया ऐसा हो गया, तो हमने इसके पहले भी आप यहां देख सकते हैं इस पन्ने में मैंने किया था सवाल, इसी देखिए ऊपर से सवाल किया था मैंने, मैं हल्का रिपीट कर रहा हूं, देखिए नीचे आइए, तो मैंने क्या बनाया फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बना भाई यहां से, तो फॉर्मूला क्या हुआ कैंसिल हुआ आंसर आया। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपको यहां सवाल करना है, ये देखिए यहां पर कितना हो गया, अब आप करिए सेपरेट। ठीक, तो 10 इनवर्स अब कॉस कॉस क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया a अपॉन b माइनस यहां b से b कैंसिल, साइन अपॉन कॉस कितना होता है भाई 10x, ध्यान दीजिएगा अब ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यहां 1 आ रहा भाई और यहां a अपॉन b, ठीक है a अपॉन b आ गया, यहां कितना आ गया 10x। अब गौर कीजिए कि फॉर्मूला किसका बन रहा है, a 10 इनवर्स a माइनस b, ठीक है सॉरी ये प्लस होगा आपका a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, तो फॉर्मूला किसका बन रहा है 10 इनवर्स a माइनस b अपॉन 1, आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है, देखिए 10 इनवर्स a माइनस का 10 इनवर्स b, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख दे रहा हूं 10 इनवर्स, देखा ना a माइनस b अपॉन 1 प्लस का ab, तो ये फॉर्मूला बन सकता है आपका, किसका बन रहा है 10 इनवर्स, ठीक है a ये पूरा a है, ये पूरा क्या है देखिए a है और ये पूरा b है, और माइनस का 10 इनवर्स b, b क्या है b तो आपका 10x है ना, ये अलग है भाई समझाने के लिए था, तो अब यहां से 10 क्या होगा कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 10 इनवर्स a अपॉन b, भाई फिर देखिए 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b क्या होता है 10 इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, तो ये a का जो काम कर रहा है यहां पर ये a का काम कर रहा है a अपॉन b पूरा a है और 10x पूरा पूरा b है। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया 10 इनवर्स a अपॉन b माइनस 10 इनवर्स b क्या है 10x है ना, तो कितना हो गया 10x यहां पर देखिए, अब क्या हो गया ये चीज कैंसिल हो गई तो कितना आ गया माइनस का एक्स, तो ये आपकी इजी फॉर्म आ गई। ऐसे क्वेश्चन देखिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों जैसा जो सवाल आ गया आपका, तो क्या दिया 10 इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स, ये फंक्शन की बहन है और आपको ये प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट, ये आपको प्रूफ करना है, साफ आ रहा है, गौर कीजिएगा चीज पर। अब हमें करना क्या है, हमें इस गिवन फंक्शन से ये फंक्शन लाना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ले लिया हमने इन लेफ्ट हैंड साइड, मैं राइट की बात नहीं कर रहा हूं, इन लेफ्ट हैंड साइड हमने एक्स बराबर माना कॉस थीटा, जो मन चाहे कॉस मान लीजिए। देखिए ऐसा होता है कि बेसिक पॉइंट क्या है, ये तो आप याद कर लो, कहीं पर भी 1 प्लस एक्स दिया हो या 1 माइनस एक्स दिया हो, याद कीजिएगा, बात समझ आ रही है, तो हम एक्स बराबर कॉस का फंक्शन मानते हैं, क्योंकि कॉस में इसके टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं, कितने होते हैं 4 फॉर्मूले, आपको 4 फॉर्मूले याद हैं, पहला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस का 1, दूसरा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और तीसरा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और चौथा कितना होता है 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस का ये थीटा बाय 2, क्यों किया, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला ऐसा होता है।
अब इससे क्या होता है, जब वन प्लस एक्स कर रहे हैं ऊपर देखिए और वन माइनस एक्स, तो यहाँ पर एक्स यहाँ पर क्या रखा हमने, कॉस टर्म। मैं फिर बोल रहा हूँ, चाहे डिफरेंशिएशन हो इंटीग्रेशन हो, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा, मेथड आपका यही है केवल। तो हमने ये रखा प्रूफ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अब इस फॉर्मूले के जरिए और इस फॉर्मूले के जरिए इजिली वन कैंसिल होता है, क्या होता है, वन कैंसिल होता है और हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, एक्स यहाँ पर क्या रखा, कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि वन प्लस दिया है और वन माइनस दिया हुआ है, तो ये बात, तो थीटा बराबर कितना होगा, कॉस इनवर्स एक्स, ये भी ना भूलिएगा भाई, कॉस को ट्रांसफर करेंगे तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। मैं फिर बोल रहा हूँ एक बार, कहीं पर अगर ये कंडीशन दी हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो इंटीग्रेशन हो, आगे मैं पढ़ाऊंगा पूरा लेक्चर, पूरे सवाल होंगे हर्षल वर्मा के प्लस एनसीईआरटी के, मैं आपको सैकड़ों सवाल करवाने वाला हूँ इसके लिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। बट आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, क्योंकि यही चीज मैं 5-6 बार बोलूंगा, क्या फायदा उससे। तो पहली बार में कॉन्सेप्ट लर्न कीजिए कि कॉन्सेप्ट कहता गया है आपसे, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ कितना आ गया, टेन इनवर्स, ठीक है। तो ब्रैकेट में कितना आ गया अपना, वन प्लस का कॉस थीटा और माइनस यहाँ दिया है वन माइनस का कॉस थीटा, थोड़ा ऊपर देखिए ये था तो मैं इसमें रख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना आ गया, वन प्लस का कॉस थीटा और प्लस वन माइनस का कॉस थीटा। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा, अब देखिए एक चीज, लेक्चर को ध्यान सुनिएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, कौन सा फॉर्मूला खोला जिससे वन कैंसिल हो, कौन सा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस का वन, ठीक, ये लगाया माइनस, फिर हमने क्या खोला, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस का वन। अब देखिए फॉर्मूला तो ये होता है भाई, क्या होता है, ये थोड़ा सा दिक्कत कर गया, ये आपका माइनस था तो ये आपका होता है वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, ये आप कर दीजिए माइनस का और ये कर दीजिए प्लस का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बाहर दिया है माइनस, फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये लगाया तो ये आपका प्लस का हो गया और ये आपका माइनस का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, ये प्लस का और ये माइनस का हो गया, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ रखा है, आप इसको यहाँ रखिएगा, बाहर दिया है माइनस, ठीक है, उल्टा लिख गया था। अब अपॉन में कितना हो गया, यही पर सेम देखिए, वन प्लस का टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस का वन, ये माइनस का प्लस हो गया। फिर यहाँ पर देखिए वन माइनस, फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, ऊपर उल्टा हो गया मगर फॉर्मूला सेम है, आप रख के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो वन से वन क्या हो गया, कैंसिल, वन से वन कैंसिल हो गया, ये भी वन से वन कैंसिल हो गया, वन से वन कैंसिल हो गया। अब देखिए ध्यान से, टेन इनवर्स, ठीक है, ध्यान से भाई, रूट टू यहां पर भी है और रूट टू यहां पर भी है, तो हम क्यों ना रूट टू बाहर ले लें भाई, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बाय टू और कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, तो यहां पर ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस थीटा बाय टू और माइनस का साइन थीटा बाय टू, क्योंकि स्क्वायर दिया, स्क्वायर से एक कॉस बाहर आ गया और टू रूट के अंदर है, तो रूट टू हमने अलग कर लिया। और सेम केस नीचे होगा, रूट टू हमने अलग कर लिया, क्या अलग किया, देखिए रूट टू कॉस स्क्वायर दिया है, क्या बाहर आया, कॉस थीटा बाय टू, यहाँ प्लस था तो प्लस लिखा, यहाँ क्या लिखा, साइन थीटा बाय टू। भाई देखिए अब यहाँ पर ये ना पूछेगा भाई कि ये माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो बेसिकली यहाँ क्या आ गया प्लस, ये क्या हो गया कैंसिल। अब ये कॉन्सेप्ट कुछ याद कर रहा है, अभी देखिए मैंने जस्ट पहले कराया आपको, मैं कहिए पेज लौट दू, यहाँ देखिए, ये देखिए इधर आइए, ये मैंने कराया, देखिए पूरा नीचे आइए हल्का सा, ये देखिए ये मैंने पूरा कराया, कराया कि नहीं कराया, तो वैसे देखिए वापस आते हैं यहाँ पर, हमें क्या करना है, ये एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को देखिए, इस फॉर्मेट में आपका एक उद्देश्य होगा, मोटिव होगा, क्योंकि आपको टेन ए प्लस बी या फिर टेन ए माइनस बी बनाना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस फॉर्मेट को आप याद कर लीजिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, फॉर्मेट बहुत काम आता है भाई, और टेन में काफी सवाल बोर्ड में आ चुके हैं। यहां से हमने कॉस थीटा बाय टू कॉमन लिया, तो यहाँ वन बचा, अब साइन अपॉन कॉस आएगा, तो ये आएगा साइन थीटा बाय टू अपॉन कॉस थीटा बाय टू, यहां से भी कॉस थीटा बाय टू कॉमन लिया और यहां पर आया प्लस का साइन थीटा बाय टू और अपॉन कॉस थीटा बाय टू, ये बात समझ आ गई। तो यहाँ कितना आ गया, कॉस कॉस क्या हो गया, तो टेन इनवर्स, यहाँ या वन साइन अपॉन कॉस कितना होता है, तो वन माइनस का टेन थीटा बाय टू और अपॉन वन प्लस का टेन थीटा बाय टू, ठीक। यहाँ देखिए तो ये हो गया टेन पाई बाय फोर और माइनस का टेन थीटा बाय टू, और यहां पर भी हो गया, ये हो गया वन प्लस का था ना आपका, तो टेन पाई बाय फोर इंटू टेन थीटा बाय टू, ये बात समझ आई। देखिए मैं पलट रहा हूँ पेज, यहाँ देखिए नीचे आइए था, ये देखिए कॉर्नर पे, देखिए ये नीचे आइए, नीचे आइए, तो यहाँ पर ऐसा दिया हुआ था, ठीक है। अब आपको लिखा हमने 10 पाई बाय 4 और 1 प्लस 10 थीटा बाय 2 में किसका मल्टीप्लाई किया, 10 पाई बाय 4 का मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ देखिए क्या फॉर्मेट आ गया, ये फॉर्मेट आ गया, तो 10 इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका होता है भाई, 10 ए माइनस बी का भाई, ए माइनस बी, ठीक है। तो अब ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय टू। अब थीटा आपने किसको माना था, कॉस इनवर्स एक्स को, याद कीजिए पिछले पेज में, तो पाई बाय फोर माइनस का वन बाय टू बाहर आ गया, कॉस इनवर्स एक्स। तो ये आपको प्रूव करना था, क्या आ गया आपका, प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए एक सवाल दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ पर प्रूव दैट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टू साइन इनवर्स रूट में टू साइन इनवर्स नोट कर दो, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टू साइन इनवर्स रूट में वन माइनस एक्स अपॉन टू इक्वल टू टू कॉस इनवर्स वन प्लस एक्स अपॉन टू। अब देखिए पहले फॉर्मेट आपको मैंने ये दो फॉर्मूले बेसिकली पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाया है टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने पहले क्या किया कि टू साइन इनवर्स एक्स को साइन चेंज कर दिया और फिर साइन को हम किस में ले आएंगे कॉस में ले आएंगे, ठीक, और टू कॉस का कॉस में होता है। तो यहां देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं सीधा हिसाब, हम लोग लिखते हैं सेकेंड टर्म, ठीक, तो सेकेंड टर्म चलेंगे भाई इस हिसाब से हम लोग। देखिए अब बात करते हैं सबसे पहले टू साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस का एक्स अपॉन टू, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है साइन इनवर्स, ठीक है ना, टू एक्स, टू एक्स मतलब क्या है भाई, एक्स तो पूरा पूरा ये है ना भाई, ये पूरा काम कर रहा है ना एक्स का, साइन इनवर्स टू एक्स, फिर अंडर रूट में वन माइनस का एक्स स्क्वायर, ये पूरा पूरा क्या हो गया एक्स हो गया ना भाई, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर मतलब रूट में वन माइनस एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर। दिमाग में ये बात याद रखिएगा, कितना आ गया आपका साइन इनवर्स, अब देखिए रूट टू कितना हो गया, अब पहले यहां पर आ जाइए तो टू अंडर रूट में वन माइनस एक्स अपॉन टू, ठीक, फिर रूट के अंदर वन माइनस, यहां से रूट कैंसिल हो गया तो वन माइनस एक्स अपॉन टू हमने ऐसे लिखा भाई, रूट कैंसिल हो गया ना वहां से भाई, दो रूट थे एक अंदर था एक होल में था ना पूरा, तो ये रूट कैंसिल हुआ तो यहां ऐसा आ गया फॉर्मेट। अब यहां से चीज देखिएगा कि साइन इनवर्स अभी करना क्या है, टू रूट में वन माइनस एक्स अपॉन टू, यहां पर एलसीएम दो इधर आया, अब दो में एक गया तो एक आया, ये माइनस क्या हो गया प्लस आ गया, तो ये ऐसा बन जाएगा आपका दो में गया एक वन प्लस एक्स बाय टू, ठीक है, अब ये क्या हो गया दो से दो क्या हो गया भाई कैंसिल हो गया। अब a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पढ़ा होगा ना आपने, कितना होता है अंडर रूट में कितना ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया ना। अब ये फॉर्मेट किसके इक्वल होता है कॉस इनवर्स एक्स के, तो ये क्या आ गया आपका फर्स्ट टर्म आ गया, क्या आ गया आपका फर्स्ट टर्म आ गया कि नहीं आ गया, ठीक, आपको लेना थर्ड टर्म, क्या लेना है आपको थर्ड टर्म, क्या दिया है टू कॉस इनवर्स वन प्लस एक्स बाय टू, फॉर्मूला क्या होता है भाई देखिए सीधा, ये पूरा पूरा एक्स है, फिर बोलो क्या है पूरा पूरा एक्स, तो फॉर्मूला क्या होगा आपका कॉस इनवर्स रूट के अंदर वन माइनस का एक्स स्क्वायर मतलब वन प्लस एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर, ये होता है। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कितना हो गया कॉस इनवर्स, देखिए रूट में वन माइनस यहां पर आया वन प्लस एक्स अपॉन टू, कोई समस्या भाई, ये बात समझ में आ गई। अब यहां देखिए एक थोड़ा ये आपका सेकंड फॉर्मूला था, यहां देखिए ध्यान से नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग बात के लिए, जैसे आपने ये दिया था थर्ड टर्म दिया था टू कॉस इनवर्स रूट में वन प्लस एक्स अपॉन टू, ठीक भाई कॉपी पढ़ा रहे हैं मोबाइल एक हाथ से लिए हुए एक हाथ से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत है देखिए। तो यहां पर क्या हो गया आपका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस का वन होता है, ठीक, तो कॉस इनवर्स देखिए यहां से तो टू यहां तो वन प्लस एक्स अपॉन टू आया माइनस का वन आया तो टू टू क्या हो गया कैंसिल, तो कॉस इनवर्स वन प्लस एक्स माइनस वन तो वन से वन क्या हो गया कैंसिल, ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या आ गया फर्स्ट टर्म आ गया, ठीक है, तो ये आपने सवाल कम्प्लीट किया। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका नाइन पाई अपॉन एट माइनस का नाइन अपॉन फोर। ध्यान दीजिए कोचिंग वाले बच्चे भैया आपके लिए भी है और बाकी लोग जो देख रहे हैं जिनको अच्छा लग रहा है यूपी बोर्ड से, तो वो भी ध्यान दें, अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ देंगे तो मैं इसके लेक्चर बनाता रहूंगा हमेशा। तो साइन इनवर्स वन बाय थ्री इक्वल टू नाइन बाय फोर साइन इनवर्स टू रूट टू अपॉन थ्री, मैं मजाक कर रहा था, तो ये एक्चुअली मेरी एक स्टूडेंट है वैशाली, तो वो ये फोन पकड़ी हुई है, काफी मेहनत कर रही है, ठीक है, तो एक लाइक उसके लिए बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लिया, सबसे पहला नाइन बाय फोर कॉमन ले लिया, ठीक है, नाइन बाय फोर कॉमन ले लिया भाई, पहले कोई कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ गया यहाँ पर पाई बाय टू भाई, कितना आ गया पाई बाय टू माइनस का साइन इनवर्स वन बाय थ्री, ये बात समझ आ गई। अब देखिए हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिया, मैं काट उठ नहीं रहा हूँ, ये नहीं यहाँ से काट दिया अपना आसान हो गया, ऐसा नहीं, एक टर्म लीजिए वहां सॉल्व कीजिए इजिली सॉल्व कीजिए, उसमें मजा है, काटना वाटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नाइन बाय फोर, अब आपने एक फॉर्मेट बाय फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आपको याद होगा साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है पाई बाय टू, और अगर आप यहां से कॉस इनवर्स एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा पाई बाय टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स, तो यहां पर नाइन बाय फोर, तो ये वैल्यू कितनी हो गई भाई, ध्यान दीजिए कॉस इनवर्स एक्स मतलब कॉस इनवर्स वन बाय थ्री,
कितनी हो गई cos इनवर्स 1/3। अब आप कन्वर्जन में आइए कि cos इनवर्स, तो कन्वर्जन क्या था, cos इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स रूट में 1 - x2। ठीक है, तो इस पेज में आ जाते हैं, जगह बची नहीं है, पर देखिए कितना आ गया भाई 9/4 cos इनवर्स 1/3 दिया था, तो 9/4 ऐसे लिखा हमने, क्या लिखा इसको साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 - x2 मतलब 1/3 का स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा आप एलसीएम लेंगे कितना आएगा साइन इनवर्स भाई 3 टू 1 - 1/9। अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना, तो 9/4 साइन इनवर्स तो रूट में आ गया 8/9। ठीक है, 8 करेंगे फैक्टर भाई, फैक्टर जानते हैं ना ये, तो 1 × 2 बाहर आ गया, तो यहाँ से कितना आ गया 9/4 साइन इनवर्स 2 √2 - 3 बार आ गया। तो ये आपको प्रूव करना, तो किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ये आ गया आपका 10 √x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 - x2। तो क्या करते हैं, पहला पॉइंट हम 2 को करते हैं ट्रांसफर, तो 2 tan inverse x हो गया। ठीक है, कितना है cos इनवर्स 1 - ये काफी आसान सवाल है, आप कर सकते हैं। तो आपने फॉर्मूला एक फॉर्मेट आप भूल गए होंगे, मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ, 2 tan inverse x होता है cos इनवर्स √(1 - x2) / 1 + x2। तो यहां से आपको फॉर्मेट चेंज करना है, इस फॉर्मेट के साथ लगाएंगे तो कितना आ जाएगा cos इनवर्स 1 - का जब √x का स्क्वायर करेंगे अपॉन 1 + का √x का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया cos इनवर्स 1 - का x अपॉन 1 + x। मैं प्रूव हो गया, आसान था ना, तो कोई बात नहीं, कठिन आते हैं आसान भी आते हैं, तो ध्यान दिया करिए। देखिए एक और शानदार क्वेश्चन ये रहा, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पैटर्न से रियल में इंपॉर्टेंट है भाई, हल्के मत लीजिएगा, भारी सवाल है। ठीक है, मतलब इतना भारी नहीं है। तो यहाँ बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, तो ये दिया है cos इनवर्स x अपॉन a और ये दिया है cos इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू कितना है अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है cos इनवर्स ए बी, दिस इज a और दिस इज b। ठीक है, मैं एक ब्रैकेट में प्लस है तो कितना आ गया माइनस आ गया भाई, और रूट में 1 - a² और 1 - b² भाई इक्वल टू कितना हो गया अल्फा हो गया। अब cos इनवर्स को इधर ट्रांसफर कीजिए, तो ये आपका आ गया x y / ab। और एक अकलमंदी होती है, अकलमंदी क्या होती है, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए आप ऊपर आइए, ये देखिए ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट को देख के आपको यहाँ पर रूट के अंदर कभी भी एलसीएम नहीं लेना है भाई, क्या नहीं लेना है एलसीएम नहीं लेना है आपको। तो 1 का इसे मल्टीप्लाई किया तो 1 - y² / b² और -x² / a². ठीक है, और प्लस का x² y² / a² b². ठीक, और बराबर कितना आ गया cos अल्फा। अब cos अल्फा को इधर ले आइए और इस रूट वाले को इस साइड ले आइए, तो cos अल्फा कहां ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड और इसको हमने राइट हैंड साइड। तो ये फॉर्मेट आ गया xy / ab और सॉरी माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस का cos अल्फा इक्वल टू यहां पर रूट में क्या आ गया आपका 1 - y² / b² और x² / a² + x² / y² अपॉन, देखिए हो सकता है ये चैप्टर आपको